गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। योर क्वेश्चन इज राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। व्हाट डिस्टेंस राजधानी एक्सप्रेस विल कवर इन 15 मिनट्स। तो स्पीड दे रखी है आपको ट्रेन की 150 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है इसका कि ट्रेन जो है 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 150 किलोमीटर। और इन्होंने पूछा है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 15 मिनट्स में। अब क्लास देखिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ स्पीड दे रखी किलोमीटर और आवर्स में, और इन्होंने पूछा है मिनट्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स कितना हो जाएगा, 150 × 1000 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर्स में। अब जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप एक्स अज्यूम करेंगे। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट्स बी एक्स मीटर। अब आपके पास ये जो वेरिएशन है इस क्वेश्चन में, कौन कौन सी दो क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस और टाइम। पहले आप चाहे डिस्टेंस लिख लीजिए चाहे आप टाइम लिख लीजिए क्लास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर टाइम और डिस्टेंस भी लिख देंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और डिस्टेंस और टाइम भी लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 60 मिनट्स में इतना डिस्टेंस है, यूनिट का क्लास ध्यान रखिएगा मीटर और मिनट्स है यहाँ पर, और 15 मिनट्स में एक्स मीटर डिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वाले पेयर को हम पहले लिखेंगे और दूसरे वाले को हम बाद में लिखेंगे। इसको जब हम क्लास सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी ये आपका 1 यहाँ पर, 2 से इसको आपने जब सॉल्व किया तो 75 और 2 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 3 ये। अब क्लास क्योंकि ये आंसर आपका किस में आया है, मीटर में, और आप इसको आप क्लियरली देख रहे हैं, आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 37.5 किलोमीटर। इट मींस द ट्रेन कवर्स 37.5 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। राइट क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कार ट्रेवल्स 232.5 किलोमीटर इन 15.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो क्लास ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो रिलेशन दे रखा है वो डिस्टेंस और पेट्रोल में दे रखा है कि 15.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में जो कार ट्रेवल कर रही है वो 232.5 किलोमीटर का ट्रेवल कर रही है, तो 25.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार का। तो ये बिल्कुल सेम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्टेंस और पेट्रोल में आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लास में होमवर्क में दे रही हूँ आपको, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं कल इसको एक्सप्लेन करूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। मैंने अगर आपको क्लास साइन बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर वाई इंक्रीज होगा तो एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, और एक्स वाई डिक्रीज हो रहा है तो एक्स भी डिक्रीज हो रहा है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू के वाई, राइट, जहां पे के आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। एंड एक्स इक्वल्स टू 25, यहां पर आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 25, एंड वाई इक्वल्स टू 35, वाई की वैल्यू दे रखी है 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहां से क्लास मैंने आपको बताया था जो के की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, एक्स वाई वाई। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन का, मीन्स के इज इक्वल्स टू एक्स वाई वाई इक्वल्स टू 25/35, इसको क्लास आप कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 और ये 7, तो यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/7, राइट क्लास, द वैल्यू इज 5/7। द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड वाई इफ एक्स इक्वल्स टू 125। देखिए क्लास क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं तो उसी मेथड से आप करेंगे। तो देखिए आपको एक्स और वाई में रिलेशन दे रखा है, यहाँ क्वांटिटी का नेम मेंशन नहीं है, एक्स और वाई दो क्वांटिटीज दे रखी हैं,
x की वैल्यू आपको दे रखी है 25, तो y की वैल्यू है आपकी 35. व्हाट दे आर आस्क्ड कि 125 वैल्यू ऑफ x के लिए y की वैल्यू क्या होगी. तो y को लेट इट बी y2. डायरेक्ट आप इसको y2 लिख लीजिए क्लास. दिस इज y1, दिस इज y2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. सो दिस इज 25 इंटू y2 इक्वल्स टू 125 इंटू 35 मीन्स y2 इज इक्वल्स टू 125 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 25. दिस विल बी 5, दिस विल बी 7. 5 वन्स आर 25, 7 द 25, 7 द इज 175. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 170 y, द वैल्यू ऑफ y2 विल बी 175 फॉर x इक्वल्स टू 125. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज c. द c पार्ट इज The C part is x if y equals to 56. So what you will do the same way x y y x की वैल्यू पहले कितनी दे रखी थी 25 और ये 35. बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन क्लास. ये आपका x2 और ये आपको कितने के लिए पूछा गया है 56 के लिए क्लास. तो इसको हम सॉल्व करेंगे द सेम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड. अब लेकिन पहले कौन सा पेयर लिखेंगे x2 के साथ में जो है. तो x2 इंटू 35. क्लास में हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपका वेरिएबल जिस भी पेयर में आ रहा है उसको आप LHS में लिखिए. आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा. तो 25 इंटू 56. सो x2 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 56 बाई 35. 5, 7 और 7, 8 द मीन्स x2 इक्वल्स ऑफ x2 विल बी 5, 8 द 40 क्लास राइट. सो द वैल्यू ऑफ x इज विल बी 40 if y equals to 56. Now look at the question number 6th class. The cost of 125 books is rupees 3750. What will be the cost of 25 books? Class, ये तो बहुत ही simple question है. Books और cost का relation है. आपको जो है बहुत ही easily आप इसको कर लेंगे. So question number 6th is homework here. Now look at the question number 7th. A person gets 7560 इन अ मंथ. हाउ मच विल ही अर्न इन 16 डेज. तो इन अ मंथ मीन्स क्लास 30 डेज. तो 30 डेज की अर्निंग आपको क्वेश्चन दे रखी है और 16 डेज की अर्निंग जो है पूछिए. बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो क्लास क्वेश्चन 7th भी आप जो है होमवर्क में करेंगे. आई होप क्लास द कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू ऑल. एंड फॉर टूडे दिस इज ऑल. वी विल डू अप टू क्वेश्चन नंबर बस छोड़ दो.